लोकसभा महाराजगंज। प्रदेश के पिछड़े जिले में शुमार, महाराजगंज नेपाल से सटा जिला है। जब देश में पहला चुनाव हुआ तब इस सीट से प्रतिनिधित्व महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी शिवबन लाल सक्सेना ने किया। शिवबन लाल संविधान सभा के सदस्य भी रहे। जितनी खूबसूरत महाराजगंज जगह है उतना ही खूबसूरत यहाँ का इतिहास भी रहा है। महाभारत काल में इस जगह को कारापथ के नाम से जाना जाता था, जो कि कौशल राज्य का एक अंग हुआ करता था। इक्ष्वाकु राजाओं का यहाँ शासन था, जो कि बाद में छोटे छोटे राज्यों में बट गया। बात करें सीट के राजनीतिक इतिहास की तो इस सीट पर पहली बार हुए चुनाव में शिवबन लाल सक्सेना ने निर्दलीय चुनाव जीता। कहा जाता है कि तत्कालीन कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, जिस कारण वो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। शिवबन 1957 में भी चुनाव जीता। इसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस के महादेव प्रसाद के हाथों शिकस्त मिली। 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस से महादेव प्रसाद ही यहां से सांसद बने, लेकिन 1971 में जब चुनाव हुए तब शिवबन लाल सक्सेना एक बार फिर निर्दलीय चुनाव जीते। 1977 के चुनाव में शिवबन लाल सक्सेना भारतीय लोक दल के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के अशफाक हुसैन यहां से चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस से जितेंद्र सिंह चुनाव जीत कर संसद पहुंचे। 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन यहां से सांसद बने। 1991 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहां खाता खुला और पंकज चौधरी यहां से चुनाव जीते। पंकज ने सीट पर बीजेपी की पकड़ बनाए रखी और 5 बार सांसद रहे। पंकज ने यहां 1996 और 1998 का चुनाव भी जीता, लेकिन 1999 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पंकज ने 2004 के चुनाव में फिर वापसी की और संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में पंकज को कांग्रेस के हर्षवर्धन के हाथों हार मिली। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से पंकज पर दांव खेला और पंकज ने ये सीट दोबारा जीती और इस तरीके से पंकज यहां से 5 बार सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पंकज चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारा। गठबंधन के खाते से सपा को मिली सीट पर अखिलेश सिंह चुनावी मैदान में और कांग्रेस ने सुप्रिया श्री नेता पर भरोसा जताया। महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज और पनियारा विधानसभा सीटें शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक पर निर्दलीय उम्मीदवार अमनमणि त्रिपाठी ने जीत हासिल की। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महाराजगंज सीट पर कुल 18,57,000 वोटर 606 अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,98,822 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,58,541 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 243 है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी ने 5वीं बार इस सीट पर चुनाव जीता। पंकज को इस चुनाव में कुल 4,71,542 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के काशीनाथ शुक्ल रहे। काशीनाथ को कुल 2,31,084 वोट मिले। तीसरे नंबर सपा के अखिलेश सिंह रहे। अखिलेश को कुल 2,13,974 वोट मिले। एक नज़र 2014 चुनाव के नतीजों पर। पंकज चौधरी बीजेपी जीते 4,71,542 44.65%। काशीनाथ शुक्ल बीएसपी दूसरा स्थान 2,31,084 21.88%। अखिलेश सिंह सपा तीसरा स्थान 2,13,974 20.26%। 2009 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के हर्षवर्धन चुनाव जीते। हर्षवर्धन को कुल 3,05,474 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के गणेश शंकर पांडे रहे। गणेश शंकर को कुल 1,81,846 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के पंकज चौधरी रहे। पंकज को इस चुनाव में कुल 1,73,041 वोट मिले। लोकसभा चुनाव 2009 के नतीजे। हर्षवर्धन कांग्रेस जीते 3,05,474 36.40%। गणेश शंकर पांडे बीएसपी दूसरा स्थान 1,81,846 21.67%। पंकज चौधरी बीजेपी तीसरा स्थान 1,73,041 20.62%। 2004 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के पंकज चौधरी चौथी बार यहां से सांसद बने थे। इस चुनाव में पंकज को कुल 2,28,702 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के अखिलेश सिंह रहे थे। अखिलेश को इस चुनाव में 1,63,903 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के हर्षवर्धन चुनाव जीते। हर्षवर्धन को कुल 1,61,554 वोट मिले।
2004 के नतीजे, पंकज चौधरी बीजेपी जीते 2,28,702, 30.63%। अखिलेश सिंह सपा दूसरा स्थान, 1,63,903, 21.95%। हर्षवर्धन कांग्रेस तीसरा स्थान, 1,61,554, 21.64%।